हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरे पास आ चुका है आज फिर से लिनोवो का लैपटॉप। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से ये ब्रेक हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो आज हम इसी लैपटॉप को करने वाले हैं रिपेयर, और आप इस वीडियो में पूरा देखना कि हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कल मैंने वीडियो बताई था ना आपको, वो बहुत अच्छी वीडियो है, आप उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करना। आप अपने घर बैठे कैसे लैपटॉप की सर्विस कर सकते हैं वो पूरी वीडियो आप अच्छे से देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये देख सकते हैं डिस्प्ले वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है, बट यहाँ से बहुत बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुका है। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी और भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी, आप वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट करना, और आप इसी तरह से इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। तो आपका बिल्कुल भी टाइम ना ले तो हम जल्दी से लैपटॉप को खोलते हैं। अब लैपटॉप खोलते हैं, इसके स्क्रू वगैरह जल्दी से निकालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा लैपटॉप खुल चुका है। अब हम इसका जल्दी से ये फ्रेम निकाल लेंगे। फ्रेम हटाने के बाद ये इसको बोलते हैं बेस, बेसिकली ये होता है बेस, है ना। बेस को हम ये ले खोल लिया हमने। बेस खोलने के बाद हम इसको सबसे पहले ये स्क्रू वगैरह खोलेंगे, बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम सारे जितने भी इसके डिस्प्ले के जो कनेक्शन हैं उसको हम हटाएंगे। बेसिकली इसमें तीन कनेक्शन जाते हैं जो डिस्प्ले में जाते हैं नॉर्मल, कुछ लैपटॉप में चार जाते हैं। जो टच वाली स्क्रीन होता है उसका एक अलग से कनेक्शन होता है, बट बेसिकली तीन ही होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो कनेक्शन जाता है मदरबोर्ड से डिस्प्ले के साथ, वो जाता है डिस्प्ले की केबल, मेन चीज़। सेकंड थिंग होती है इसमें वाईफाई का जो वायर होता है, वो एंटीना जो लगाता है वो भी डिस्प्ले के बैक साइड में लगाता है। थर्ड थिंग इसमें होता है ब्लूटूथ वाला, ब्लूटूथ का जो भी एंटीना वो भी वहीं पर लगा होता है, तो वो भी हमें वहीं से वो वायर भी हमें निकालनी पड़ती है। तो ये तीन चीज़ें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो डिस्प्ले को, सॉरी, जो बैटरी का कनेक्टर है, बैटरी के जो कनेक्टर को मदरबोर्ड से डिसकनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी फ्रेम, जो भी इसके जो वायर जाता है, जो केबल जाती है डिस्प्ले के साथ में ना, उसको हम डिसकनेक्ट करेंगे, और हिंज को हम इसके अलग कर देंगे ताकि वो चीज़ें ईजिली खुल जाए, है ना। इसी तरह की आप वीडियो देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि जितने भी लोगों को ये वीडियो मिल सके वो चीज़ जान सके, उनको ये चीज़ समझ आ सके कि ये कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्या इसमें ज़्यादा फंडा है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है भाई क्या होगा आगे, ये वो सो, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है, इससे डरना नहीं होता आपको, बट ये छोटी सी चीज़ होती है। बस ये कि टाइम से आप इसको रिपेयर करवा लो, टाइम से रिपेयर करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। अगर आप टाइम से रिपेयर नहीं कराओगे तो शायद दिक्कत आ सकती है, डिस्प्ले वगैरह टूटने का रिस्क रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है, बट अगर टाइम से रिपेयर करवा लोगे तो कोई वो भी नहीं आएगी आपको। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा लैपटॉप खुल चुका है, आपके सामने ही सारी चीज़ें हम डिसकनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो में बने रहना, और एंड तक आपको इसी तरह में सारी चीज़ें दिखा देंगे, सारी चीज़ें खोल के चेक करा देंगे कि कैसे आप इसको खोल सकते हैं। और देख सकते हैं भाई ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है साइडों से, तो हम इसको बिल्कुल प्यार से खोलेंगे ताकि कोई चीज़ और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। और ये चीज़ें थोड़ा खोलने में मुश्किल होता है, क्योंकि जब इसमें फर्स्ट टाइम खोलोगे ना तो पेस्ट लगा होता है, तो जब भी पेस्ट हो तो आप वहाँ पे एक कोई भी ऐसी पैनी चीज़ ले ले, तिक्खी से चीज़ ले ले, कोई ऐसी कोई भी चीज़ ले ले जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो, बट वो चीज़ें जो है पेस्ट है उसको काट दे, है ना। तो अब ये देख सकते हैं आप, एक साइड का तो इसका ठीक है, बट एक साइड का पूरा ख़राब हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हम दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो दोबारा से। तो अब हम इसके जो ये फ्रेम है इसको भी निकाल लेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है इसके अंदर। सीन तो क्या होगा, वही होगा, दो तीन चार नट होते हैं उसके अंदर, वो टूट जाते हैं और वो दोबारा से पैक करने पड़ते हैं। बट जो ये लैपटॉप होते हैं ना, जैसे मान के चलो कुछ लैपटॉप है उनकी जो हिंज है ना वो बहुत ही यूनिक सी होती है ना, तो उसके साथ ही बहुत वो हो जाता है, वो टूटता नहीं है बट वो निकल जाता है। तो इसमें भी कुछ वैसा ही सीन है, तो ये ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं
अब हम थोड़ा सा इसको निकालते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन है। तो आप वीडियो में बने रहना, इंजॉय करते रहो वीडियो को इसी तरह से, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में ऐसी मिलती रहेगी। अच्छा दोस्तों, आप सभी से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी अभी आपको पता है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम में गुजर रहा था। पिछले भी कुछ लोगों ने वीडियो देखी थी, आपको पता ही था कि कितने में प्रॉब्लम से गुजर रहा था मेरा चैनल। एक महीने के लिए चैनल को डीएक्टिवेट हो गया था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर एक्टिवेट होगा करवाया, बड़ी मुश्किल से ईमेल वगैरह कंपनी को डाल के। तो चलो अब कोई बात नहीं है, गूगल एडसन का थोड़ा दिक्कत आ रहा था, वो भी क्लियर हो चुका है। अब आपको मैंने बताया था कि बैक टू बैक आपको हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो लेकर आता रहूँगा। अभी मोबाइल आपने कल देखा, मैंने लैपटॉप की वीडियो लेकर आया था, घर में बैठ के हमने सर्विस किया था उसका। आज फिर से लैपटॉप लेकर आ चुका हूँ, पिछले दो दिन में हमने मोबाइल की वीडियो बनाई थी आपके लिए। और आप देख सकते हैं मेरे सामने मोबाइल भी काफ़ी सारे खोले हैं, लैपटॉप और मोबाइल काफ़ी सारे खोलता हूँ, रिपेयर करता हूँ मैं। वीडियो बनाने का जितना भी टाइम मिलता है उसमें वीडियो ऐड कर लेता हूँ, आप सबके लिए वीडियो बना लेता हूँ। बाकी ऐसे भाई आपके सामने, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, हम अपने चैनल को बड़ा करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। चलो हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। इसमें जो बेसिकली टूटता है ना, तो वहाँ पे देखना होता है कि आप टूटा क्या चीज़ है। अगर मान के चलो आपका वहाँ फ्रेम टूटा है, प्लास्टिक टू प्लास्टिक टूट गया है पूरा, तो आप उसको थोड़ा सा फेविक से भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट देखो, आप स्ट्रॉन्ग तो तब करो जब वो चीज़ें चल जाए इजीली, है ना। पहले आपने ये चेक करना है कि वो लूज़ है। अगर आपको लग रहा है कि हिंज मेरी बहुत ज़्यादा टाइट है, हार्ड है, तो उसको आपने थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। अगर आपको लग रहा है ये हार्ड नहीं है, इजी है, नॉर्मल है, चल जाएगा, तो मत करो। इतना भी लूज़ मत करो कि वो अपने आप ही ऊपर नीचे गिरता रहे, और इतना भी टाइट मत करो कि भाई उसको खोलने में ही वो चीज़ें टूट जाए, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से काम करना है, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे रिजल्ट देना है, ताकि कस्टमर आपसे खुश हो जाए। अगर आप खुद कर रहे हो तो भाई थोड़ी सी सावधानी के साथ आप खुद भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें देखोगे, समझोगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बस ये कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस तरह से मेरी पूरी हिंज जो है बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको जल्दी से फिट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अब फिट कर देंगे एक एक चीज़ें, जैसे हमने खोला था एज इट इज़ वैसे ही फिट करना है। आपने कल की वीडियो में मैंने बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, जिन लोगों ने भाई नहीं वो वीडियो देखी है, पहले उस वीडियो को देखें और फिर आप इस वीडियो में आ जाएँ। वो वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, आपको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से समझ आओगे। और इस वीडियो में ने आपको बताया है जो, वो भी आप समझ आओगे। पर एक वही है ना कि आपको बैक टू बैक वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ आती है चीज़ें। आप सोचोगे कि मैं एक वीडियो देख के सारी चीज़ें करने लग जाऊंगा, तो भाई थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब इसमें दो नट लगे थे, तीन नट होते हैं इसमें, सॉरी तीन स्क्रू होते हैं लगे हुए इसमें, तो वो तीन चार स्क्रू हम अच्छे से टाइट कर लेंगे इसमें। और उसके बाद हम जो ये ब्लैक ब्लैक जो आपको फ्रेम दिख रहा है, इसको भी हम फिट कर लेंगे। और भाई इस तरह से बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं यार आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटा सा काम होता है। और आप इतनी बड़ी टेंशन लेके बैठ जाते हो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करोगे तो आप अच्छे से इजीली अपना काम को कर पाओगे, किसी पे वो नहीं रखोगे। अभी ये तो है फ्रेम, फ्रेम को जब भी आप लगाओ तो इसमें चीज़ें होती है लॉक, लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉक बिल्कुल ध्यान से लगाना, कि ऐसा ना हो कि आप प्रेशर ज़्यादा कर दो और डिस्प्ले टूट जाए। बिल्कुल प्यार से प्रेस करना होता है, आपको ये फील होना चाहिए कि लॉक है इसमें, वो लग रहा है, आपको इतना फील होना चाहिए आपके हाथ को कि भाई यहाँ पे लॉक है और वो लॉक लग रहा है। हम तब उतना ही प्रेस करें जितने से लॉक हमारा लग जाएगा इजीली। ज़्यादा प्रेस कर दोगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी, फिर टूट जाएगी डिस्प्ले, फिर आप बोलोगे कि भाई अकरम भाई आपने तो बोला था कि अच्छे से ये रिपेयर हो जाएगी, पर ये तो डिस्प्ले ख़राब होगी। तो वो वाली चीज़ ना करें। और जितने भी लोगों ने अपने दम पे काम करना है वो कर सकता है, बट वही है ना कि कल दिन ब्लेम ना करें कि भाई ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो वो चीज़ है, आप खुद अपने दम पे जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के करोगे तो भाई ईजिली सारी चीज़ें कर पाओगे आप।
तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब हम मदरबोर्ड को फिट कर रहे हैं। ये मदरबोर्ड होता है, इसके ऊपर फ्रेम होता है, इस फ्रेम के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है। तो हम थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे। आपने देखा ही होगा जो भी मैं काम करता हूँ बिल्कुल सावधानी से और सारी चीज़ें अच्छे से कर लेता हूँ, ताकि भाई कस्टमर को शिकायत का मौका ना मिले, है ना। अगर काम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली भैया कस्टमर खुश हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम वो कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपके पास या हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप काम अच्छा करके दोगे तो डेफिनेटली आपसे ही काम करवाएगा कस्टमर, कहीं भी नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है, बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें करें, स्टेप बाय स्टेप करें, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और भाई अच्छे से काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अच्छा पैसा भी अर्न कर पाओगे, ठीक है। और फिर से जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आपको साथ में एक बेल आइकन प्रेस दिख रहा होगा और एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइबर वाला बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ आप उस बटन को प्रेस कर दो। साथ में उसके साथ में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पर आपने सब्सक्राइबर चैनल बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप छोटा सा एक इतना सा भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो भाई आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा कितना जड़ा वो मतलब आप समझ रहे ना कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मेरी मोटिवेशन बढ़ जाएगी, अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करने का मन करेगा। तो वो वाली चीज़ होती है भाई, सब्सक्राइब करके ही चाहे करो चैनल को, बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। आप एक बार बना के देखना कितनी मेहनत लगती है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करनी है, मेहनत लगती है मेरे भाई। तो जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, अच्छी अच्छी नॉलेज हम देते रहते हैं आपको। तो वो वाली चीज़ें हैं, आपको हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं, आपसे बदले में हम आपसे थोड़ा सा प्यार मांग रहे हैं, वो प्यार देकर ही आप लोगों ने जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट करते हैं, ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अब स्क्रू वगैरह सारे लग चुके हैं, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं अब इसको हम देखेंगे, ऑन करेंगे एक बार, और भाई देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आप इमेजिन करो पहले जैसी कंडीशन में था और अब कैसी कंडीशन में है। आप मेरे को कमेंट करके बताना प्लीज़ कि आपको ये चैनल और ये वीडियो और मेरा काम कैसा लगता है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट करके जाना कि आपको मेरा काम कैसा लगता है, आपको ट्रस्ट है मेरे काम पे, आपको अच्छा लगता है मेरा काम, तो प्लीज़ आप कमेंट में एक अच्छा सा छोटा सा कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, ताकि भाई मुझे भी खुशी मिले कि भाई मेरे काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। आप सबके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, आप सब लोगों की हेल्प करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।